अनुराग जी ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और एक तरह से वो हिमाचल को भी आपकी यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां तक वो राहत देने की बात की, हिमाचल का जन जन इस बात को जानता है कि अभी तक वर्तमान में मात्र जो हमारे को एक अग्रिम 200 करोड़ की जो NDRF की राशि मिली, उसके अलावा जिसकी वो बात करें अनुराग जी, वो वही है जो आपको एयरमार्क्ड पहले से 360 करोड़ आपको STRF के तहत मिलना था, वो आपको मिला है। 189 करोड़ आपको 2022-23 का, जिसमें एक ऑडिट पैरा लगा था जिसके कारण आपका विलंब हुआ। इसके अलावा मात्र जैसे मैंने पहले का 200 करोड़ के आसपास की आपको भरपाई NDRF की, वो भी एक अग्रिम राशि हमारे को दी है, और जो क्षति हुई है जिसका आज तक कभी भी हिमाचल के इतिहास में वर्णन नहीं हुआ, और लगभग जैसे 12,000 करोड़ की मैंने बात कही आपका, चाहे वो PWD की बात हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कों की अपनी महत्वता है, जीवन रेखा भाग्य रेखा का कार्य करती है, PWD में ही लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है, आपकी जल शक्ति विभाग में 2,000 करोड़ की क्षति हुई है, और जहाँ तक तो हिमाचल प्रदेश की बात वो कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, वो मैं समझता हूँ जन जन हिमाचल प्रदेश का इस बात को जानता है कि आज सरकार ने सभी जो हमारी चाहे फ्लैगशिप कार्यक्रम्स की बात थी, जो हमारी अन्य मैं समझता हूँ, और चाहे हमारी बजटरी जो हमारी कमिटमेंट्स थी, उसको मैं समझता हूँ अभी पहली प्राथमिकता अपनी राहत, अपने रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास को देते हुए दी है। अगर आवश्यकता होगी तो जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने जो अपनी बजटरी अनाउंसमेंट्स की है उसको हम दूसरी प्राथमिकता देंगे, लेकिन आज समय की आवश्यकता ये है, जो इतनी बड़ी क्षति हुई है वहाँ पर हमारे क्या कहते हैं प्रभावित लोगों को राहत दी जा सके, और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र हिमाचल का हमारा अलग से रिलीफ पैकेज भी शीघ्र अनाउंस करने जा रहे हैं। और जो अनुराग जी ने कहा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज समय की आवश्यकता थी, जैसे गुजरात में भुज के मामले में या उत्तराखंड में केदारनाथ का, जिसका काफ़ी डिटेल में भी सेशन के दौरान चर्चा हुई, लगभग कोई 9,000 करोड़ के आसपास की उस वक्त केंद्र में आपकी UP सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक उदार सहायता उत्तराखंड की सरकार को दी थी, यहाँ बातें बड़ी बड़ी हुई। नड्डा जी की स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा था जब हिमाचल आए थे, 3-4 जगह जाकर उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया, अखबारों में स्टेटमेंट आई कि जो हिमाचल मांगेगा वो हम देंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, और लेकिन चलो हम वही आशा रखते कि अभी भी प्रदेश की मदद हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि हमारी छोटी स्टेट है, लिमिटेड हमारे वित्तीय संसाधन है, और उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, जैसे मैंने पहले कहा, पूरे अटल निश्चय के साथ हिमाचल के पुनर्वास का, अपने पुनः मैं समझता हूँ इस त्रासदी से बाहर आने के लिए हर संभव जो कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। इसमें भी केंद्र से मार्को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिड डे मील योजना है, इसमें मार्को अभी तक पैसा नहीं मिला था, लेकिन विधानसभा में चर्चा के दौरान ये बात भी कही थी कि हम अपने संसाधनों से, जो 4-5 दिनों से हमारे मैं समझता हूँ हमारे कर्मचारियों को जो हमने ऑनरेरियम के रूप में रखे हैं, लोग रखे हैं, उनको हम उनकी जो उनकी मासिक पे बनती है वो हम देंगे। ये जो हमीरपुर में जो आपका पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चयन आयोग की अनियमितताएं निकली है, उसका प्रमुख कारण है, वहाँ पर सारी बातें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने सेशन के दौरान भी ये बात रखी थी कि अलग से हमारा चयन आयोग का गठन हो रहा है, इससे संबंधित सारी बातें कैबिनेट में भी और विधानसभा में भी चर्चा हुई है, और मुझे पूर्ण आशा है कि नवंबर के महीने से ये प्रारंभ होगी, और जैसे मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और आगे पीछे भी आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बात रखी थी कि मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि हमने लगभग कोई 6,000 पोस्ट की स्वीकृति दिलवा दी है, इसमें लगभग कोई 530 पोस्ट हमारी हायर एजुकेशन की है, लगभग कोई 5,300 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की है, ये हमारी नियुक्तियाँ प्रारंभ होगी, और इसमें से भी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो 5,300 के आसपास की पोस्टें हैं, इसमें से भी 2,521 पोस्टें जो हमारी मैं समझता हूँ बैच वाइज जो आपकी अपॉइंटमेंट होनी है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नॉन BEd का भी जो विषय रहा है और पिछली सरकार के टाइम में रिक्रूटमेंट नाम मात्र हुई है, और जैसे मैंने कहा 6,000 पोस्ट की हमने सेंक्शन ले ली, और इसके अलावा भी 3,500 पोस्टें हमने इससे पहले आपकी प्रमोशन के माध्यम से, उदाहरण के तौर पे प्रिंसिपल्स की प्रमोशन पिछले 6 वर्षों से नहीं हुई थी, हमने लगभग 76 लोगों को प्रमोट करके, जितने भी हमारे दुर्गम हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस थे, चाहे चंबा की बात हो, सिरमौर की बात हो, सभी जगह अधिकतर
आपके प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां कर दी है, आपके स्कूल कैडर के भी लगभग कोई 250-300 प्रिंसिपल्स के पद भरे हैं, इतने ही पद हमने हेडमास्टर्स के भरे हैं, लगभग पीजीटी की लगभग कोई 400 के आसपास की नियुक्तियां हुई है प्रमोशन के माध्यम से। अभी भी ये प्रक्रिया प्रारंभ है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ महीनों के अंदर जो ये शॉर्टफॉल है, जो गैप है, इसको पूरा किया जा सके। उसमें आधा विभाग तो शिक्षा विभाग ही है, जहाँ टोटल आपकी मैन पावर लगभग कोई 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी है हमारी पूरे हिमाचल सरकार के अधीन, उसमें से लगभग कोई 50% के आसपास उसमें जो योगदान होता है उसमें हमारे शिक्षा विभाग के हमारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यही कारण है कि इसमें स्वाभाविक है जब आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो ट्रांसफर भी ज़्यादा होगी, और ये कारण हो सकता है जो आप ये बता रहे कि ट्रांसफर क्यों होती है ज़्यादा शिक्षा विभाग में, क्योंकि 50% से अधिक आपके जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो हमारे शिक्षा विभाग के हैं। ने बात कही कि इसका ये लैप्स ना हो और हम इससे संबंधित शीघ्र अपनी एक पॉलिसी जिसके माध्यम से आपकी भविष्य में एनटीटी की रिक्रूटमेंट हो हम कैबिनेट में लाएंगे, और जैसे हमारे को वहाँ से अप्रूवल मिलेगी हम ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ये समय में इस बात को बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, ना मात्र डेप्टेशन हुए, बल्कि हमने जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम में जब ताबड़तोड़ आपके डेप्टेशन हुए थे अधिकतर हमने कैंसिल किए। कुछ ऐसी जगह आपके डेप्टेशन वर्तमान में रह गए, उदाहरण के तौर पर जैसे BBMB का प्रोजेक्ट है हमारा, तो उनके साथ हमारा समझौता है कि कुछ स्टाफ हिमाचल सरकार का वहाँ पर रहेगा और हमारे ही लोग को सर्व कर रहा है ये क्षेत्र जहाँ पर ये स्कूल्स बने हैं, या कुछ चंडीगढ़ में है तो वहाँ की जो पे है वो वहीं पर जो हमारे बॉडीज़ है उदाहरण के तौर पे हमारी CRT है वो ही देती है। और इसके अलावा जैसे उदाहरण के तौर पे उनकी नियुक्तियाँ आपके दूरदराज के क्षेत्र में होती थी और बैठते थे यहाँ पर डायरेक्टरेट में या डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में, अधिकतर इस तरह की जो आपके डेप्टेशन थे वो पिछली सरकार के कार्यकाल के जो थे वो हमने कैंसिल कर दिए हैं। और इस कार्यकाल के दौरान मैं समझता हूँ ना मात्र एक आधा कहीं होगा तो मैं कह नहीं सकता, हमने कोई भी डेप्टेशन नहीं दिए विशेषकर टीचिंग स्टाफ। 3-4 ऑप्शंस है, ये सारी बातें कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट की मोहर के बाद ही मैं इसके बारे में अंतिम रूप में कह पाऊँ।